हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 10 बेस्ट कंट्रीज़ टू वर्क अब्रॉड इन 2023। फ्रेंड्स, अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, इंडिया से बाहर या किसी हमारी नेरिंग कंट्री से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए फ्रेंड्स पक्का देखिएगा। ठीक है, अब देखिए, इस वीडियो में और इस आर्टिकल में ये एक्सप्लेन किया गया है कि कौन कौन सी कंट्रीज है जहाँ जाके आप काम कर सकते हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगी, वहाँ पे हैप्पीनेस क्वेश्चन क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, तो सब इसमें कवर है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर आप सीजनल वर्क के लिए जाना चाहते हैं, न्यूजीलैंड से अच्छी कंट्री नहीं है, उन्होंने बताया है। न्यूजीलैंड मैं फ्रेंड्स खुद जा चुका हूँ, बहुत ही एकदम मतलब ऐसा लगता है कि पेंटिंग बनाई है किसी ने, बहुत सुंदर कंट्री है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है कॉस्ट ऑफ लिविंग, देखिए कितना है यहाँ पर, इतना है $927 है। ठीक है, अब इसमें मंथ रेंट सब कुछ इंक्लूडेड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 1563 न्यूजीलैंड डॉलर है, सॉरी फ्रेंड 927 US डॉलर्स है, कन्वर्ट करते हैं तो 1563 न्यूजीलैंड डॉलर होता है। एवरेज सैलरी आपकी इतनी है, देखिए 5603 न्यूजीलैंड डॉलर्स अ मंथ है आपकी। ठीक है, वर्क वीज़ा ड्यूरेशन 12 to 23 मंथ्स बेस्ड ऑन रेसिडेंसी होता है। हैप्पीनेस इंडेक्स 10 है, मतलब यहाँ पर लोग काफ़ी खुश रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं तो पक्का जाइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सीजनल वर्क की काफ़ी डिमांड है। न्यूजीलैंड का वीज़ा भी चल रहा है फ्रेंड्स, रिकवरी वीज़ा अभी फाइनल स्टेजेस पे है, अभी भी मिल रहा है लोगों को, लेकिन अभी शायद जुलाई अगस्त में वो बंद भी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आप सीजनल वर्क वीज़ा लेके भी जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रोज एंड कॉन्स है। देखिए, रिलैक्स वर्क लाइफ बैलेंस है, प्रोग्रेसिव एंड वेलकमिंग गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। कॉन्स भी हैं फ्रेंड्स, देखिए कॉन्स तो हर कंट्री में होते हैं, तो इनका भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। ठीक है, वर्क वीज़ा न्यूजीलैंड फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है मेरे व्हाट्सएप पर आके मुझे कंसल्ट करिए, मैं और मेरी टीम आपको पूरा गाइड करेंगे। मैं इस टॉपिक पे अभी यहाँ बात नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि कंट्री पे वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग और आप कितना पैसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं वो बताऊँगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अगर आपको जॉब ढूंढना है तो इन्होंने बताया है न्यूजीलैंड में, ये देखिए NZSkii करके एक साइट है, सीजनल जॉब्स न्यूजीलैंड, आप देख सकते हैं, गो ओवरसीज जॉब बोर्ड, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर रिसर्च और आपको एकेडमिक्स पे जाना है तो नेदरलैंड से अच्छी कंट्री नहीं है फ्रेंड्स, ये बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने इसका बताया हुआ है पूरा कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये देखिए एवरेज सैलरी बताई है, वर्क वीज़ा ड्यूरेशन इन्होंने बताया है, हैप्पीनेस इंडेक्स 5 है यहाँ पर फ्रेंड्स, थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप नेदरलैंड्स गए हैं तो आपको पता ही चल जाएगा कि कितनी हैपनिंग कंट्री है वो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग है, क्राइम रेट कम है, कॉन्स भी हैं थोड़े यहाँ पर कि सैलरी तो हाई है बट यहाँ पे एक्सपेंसेस भी आपके काफ़ी हाई होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कैसे आप काम ढूंढ सकते हैं, लिंक्डइन, इन्होंने बोला है कि लिंक्डइन पे काफ़ी सारी साइट आती हैं फ्रेंड्स, आप मेरे व्हाट्सएप पे आके मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं और मेरी टीम आपको बता सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन सी जॉब के लिए अच्छा है। अगर आप टीचर हैं टीचिंग इंग्लिश के लिए, तो साउथ कोरिया आपके लिए बहुत ही बढ़िया जॉब है फ्रेंड्स, साउथ कोरिया जाइए आप। आप यहाँ देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ कितना है, $962 है। ठीक है, एवरेज सैलरी होती है $2210 ठीक है, वर्क वीज़ा ड्यूरेशन 12 महीने का है, हैप्पीनेस इंडेक्स रैंकिंग 55 है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अच्छी है यहाँ पे ये, और प्रोज एंड कॉन्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ये देखिए वर्क वीज़ा फ्रेंड्स बहुत ही आसान है लेने के लिए। अगर आप इंग्लिश टीचर के जा रहे हैं तो E2 वीज़ा स्कीम में आप जा सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से मिल जाता है, ज़्यादा पैसे भी नहीं है उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अगर आपको जॉब ढूंढनी है साउथ कोरिया में तो आप देख सकते हैं EPIK इनका वेब पोर्टल है, यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आप गो ओवरसीज जॉब बोर्ड पे जाके लिस्टिंग्स देख सकते हैं जो जो आई है। अब देखिए इसके बाद क्या है, वर्क एक्सचेंज जो है ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का एक मेट्स वीज़ा आया हुआ है फ्रेंड्स, वो आप देख सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में ज़्यादा कवर नहीं करूँगा फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के बारे में काफ़ी लोगों को पता ही है। ठीक है, वो देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग जॉब्स, अगर आपको इंजीनियर हैं आप किसी भी फील्ड में, तो आप जर्मनी जा सकते हैं, जर्मनी तो इंजीनियर्स के लिए फेमस ही है फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग, एवरेज सैलरी, वर्क वीज़ा ड्यूरेशन कितना है फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, GDP जर्मनी की बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, ये देखिए प्रोवोस्ट ने बताया कि एक्सेलेंट सोशल वेलफेयर सिस्टम है, क्विक एंड एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है वहाँ का। ठीक है फ्रेंड्स, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है जर्मनी में, वो एक थोड़ा ड्रॉबैक है वहाँ पर, थोड़ा डिसएडवांटेज है, बट अगर आप वहाँ पर लंबे समय के लिए काम करते हैं तो आप वहाँ पे धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब वर्क देखिए, इन्होंने बताया है कि जॉब सीकर साइट पे जाइए, वहाँ से ढूंढिए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, मेरे अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे आगे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं और मेरी टीम पूरी सहायता करेगी आपकी। अगर टूरिज़्म इंडस्ट्री में करना है तो ब्राज़ील है फ्रेंड्स, ब्राज़ील तो बहुत ही अच्छी कंट्री, आप ये फ़ोटो देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया यहाँ पे स्क्रीन पर लग रहा है, आप देखिए कितना बढ़िया फ़ोटो आया है फ्रेंड्स,
अब ये देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग है फ्रेंड्स, अब एवरेज सैलरी वर्क ड्यूरेशन यहाँ पे लिखा है। इसका भी वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता है फ्रेंड्स, और यहाँ पे भी काफ़ी इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं और हर तरह की जॉब यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हेल्थ केयर देखिए बहुत अफोर्डेबल है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे यहाँ प्रोस में बताया हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम आते हैं तो अगर जो आप ट्रेनी, अगर आप इनिशियल ट्रेनी हैं, फ्रेशर हैं आप, तो डेनमार्क आपके लिए बहुत अच्छी कंट्री है, डेनमार्क जा सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छी कंट्री है ये, देखिए यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है। कॉस्ट ऑफ लिविंग देख लीजिए, एवरेज सैलरी, वर्क विद रिलेशन। और उसके बाद अब आते हैं अगर आप फिनेंस रिलेटेड हैं, अगर आप समझ लीजिए आप फिनेंस में आपने कुछ किया है, तो बोट्सवाना आपके लिए बहुत अच्छी जगह है फ्रेंड्स। बोट्सवाना बहुत अच्छी कंट्री है फ्रेंड्स, एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है फ्रेंड्स ये, और यहाँ के लोग भी काफ़ी वेलकमिंग हैं। ठीक है, देखिए द वर्ल्ड बैंक बोट्सवाना इज ऑल्सो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ग्लोबली। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद हम आते हैं ये देखिए, अगर आप हेल्थ केयर में ढूंढ रहे हैं, हेल्थ केयर में तो कनाडा फ्रेंड सबसे बढ़िया कंट्री है आपके लिए। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरा डिटेल है, यहाँ पे कनाडा आप जा सकते हैं। उसका वीज़ा भी फ्रेंड्स बहुत सारे वीज़ा भी अपॉर्चुनिटी आई हुई है वहाँ पे कनाडा के लिए, तो अप्लाई कर सकते हैं आप उसके लिए भी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर जो डिजिटल नोमैड लोग हैं उनके लिए कंबोडिया बहुत अच्छी कंट्री है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं डिटेल यहाँ पे। ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ डिजिटल नोमैड स्प्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब है इंस्पायर्ड सम कंट्रीज टू अट्रैक्ट दिस वर्कर्स फ्रेंडली वीज़ा स्कीम। कंबोडिया का वीज़ा बहुत फ्रेंडली है फ्रेंड, बहुत ही अच्छे से मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, तो आप कंबोडिया भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए लेटेस्ट आर्टिकल था, मैंने आपको बताया टॉप 10 कंट्रीज जहाँ पे आप जा सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जाके काम कर सकते हैं। तो आपको कोई भी डाउट है किसी भी कंट्री में, अगर आपको जाना है, अगर आपको वीज़ा या जॉब का कोई डाउट हो रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर आके मुझसे फ्री गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस।